अक्षय आपसे एक बात कहनी थी। हाँ पूछो। आप कल फ्री है? कल? कल तो नहीं यार, क्या हुआ? वो एक्चुअली टीपी में ना सर साड़ी की एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो मैं सोच रही कि अगर हम चलते तो। यार सिल्क साड़ी तुम्हारे पास इतनी तो पड़ी है, वो तो आज तक तुमने पहनी नहीं। अलमारी में देखना एक बार, इतनी सारी पड़ी है यार, तुमने आज तक पहनी भी है वो? और तुम्हें और चाहिए? मैं एक्चुअली सिल्क साड़ीज के अलावा भी और चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। तो एग्जीबिशन तो 3-4 दिन की होती है ना, तो फिर चल लेंगे बाद में, क्या हुआ? कल लास्ट डे है, 3-4 दिन पहले लगी हुई थी, कल खत्म। बहुत बढ़िया, फिर ये बातें पहले से बोलने की होती है ना यार, अब तुम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बता रही हो तो। और कल नहीं हो सकता यार, कल मेरी मीटिंग है, अगर तुम्हें अकेले जाना है तो तुम जा सकती हो। ये बातें पहले कहने की होती हैं, हमेशा लास्ट टाइम पे बताती हो तुम। यार जल्दी चाय ले आओ यार, लेट हो रहा हूं मैं। 9 बज गए यार। हेलो डॉक्टर मिश्रा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरे को आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी सुबह 10 बजे की। हाँ आज की। एक्चुअली ना सर्वाइकल का पेन जो था मेरा, वो फिर से शुरू हो गया। जो आपने जो मेडिसिन दी थी मुझे कल, वो ज़्यादा असर नहीं कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, 10 बजे तक मैं पक्का वहाँ पहुँच जाऊँगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो एक्सरसाइज आपने मुझे बोली थी करने के लिए, आप मुझे प्लीज फिर से बता दीजिएगा, और मेडिसिन में प्लीज चेंज कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? पूछनी थी। हाँ पूछो। क्या मैं डॉक्टर मिश्रा के पास छोड़ सकते हैं?
डॉक्टर मिश्रा। हाँ जी। यार तुम्हारा दिमाग खराब है? डॉक्टर मिश्रा कहाँ रहते हैं? पीतमपुरा। और मेरे को कहाँ जाना है? साउथ दिल्ली में। अरे यार कुछ सोच के तो बोला करो। बिल्कुल अपोजिट है यार, दुबई से क्लाइंट आ रहा है मेरा, 1 करोड़ की डील है, 10 बजे मेरी मीटिंग है, कैसे छोड़ सकता हूँ यार मैं तुम्हें उधर? तो कुछ सोच के तो बोला करो। क्या पता था? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो फिर क्यों? यार तुम्हारे पास कुछ तो काम होता है नहीं, ठीक है, घर पे तुम्हें कैसे पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं? हाँ, कोई काम है? क्या काम होता है तुम्हारे पास? एक दिन घर बैठ के बैठो ना। कितने बजे है तुम्हारा इंटरव्यू? बस भाई 10 बजे ही है और मैं लेट हो गई हूँ। 10 बजे? 9:30 बज रहे हैं तुझे पता है? हाँ। तो कैसे जाएगी? As usual बस से ही जाऊंगी भाई। कैब से चली जा। आपको पता है ना कितना फेयर लगता है। अरे कुछ नहीं लगेगा, और तेरे भाई का प्रमोशन हुआ है यार। नहीं तो कर ही सकते हैं। ठीक है वो बात, बट इतना फेयर लगता है, आपका पैसा मेरा पैसा एक ही बात है। अरे ठीक है चली जा, कैब से कैब कर देता हूँ। बस हर स्टॉप पे रुकते हुए जाएगी, सवारियों को भरते हुए जाएगी, लेट हो जाएगा तुझे, और तेरे लिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है आज। वो तो ठीक है, बट फिर भी भैया बहुत किराया लग जाएगा। कोई बात नहीं, बैठ, मैं कैब करता हूँ, शेयरिंग कैब कर देता हूँ, आधा ही आएगा। पक्का ना? हाँ हाँ बैठ तो, अभी कैब आती है। अच्छा ठीक है फिर, आप जल्दी कर दो, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, पर मैं पक्का पहुँच जाऊँगी ना टाइम से। हाँ हाँ 25 मिनट में पहुँच जाएगी, जल्दी कर दो प्लीज बुक। कैब कर दिया है, 5 मिनट में आ रहा है। ठीक है भाई। चने रखे हुए हैं, एक मुट्ठी चने लेके जा, रास्ते में खाती हुई जाइयो। ठीक है चलो मैं खा लूंगी, थैंक यू भाई। और दही शक्कर खा के जा, पता है ना हम कहीं जाते थे तो वहाँ हमेशा हमको खिलाती थी। और हाँ भाई याद है मुझे। और आज का इंटरव्यू तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जाके दही शक्कर खा ले जब तक कैब आ रहा है। ठीक है भाई। खुदा की मर्जी बगैर तो कहीं कोई। चलिए
भी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले इनका ड्रॉप है फिर उसके बाद आपका आएगा। भैया ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैम मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इनका ड्रॉप है। जाना है? हाँ आज मेरा इंटरव्यू है। तो भैया फिर आप इनका ड्रॉप कर दीजिए, फिर मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है मैम। आर यू श्योर? या नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। मेरी फाइल कहाँ है? मेरी फाइल हेलो भैया, अभी आपने मुझे ड्रॉप किया था ना, एक बार चेक करोगे मेरी फाइल तो नहीं रह गई वहाँ पर? फाइल? मैम फाइल तो है नहीं। भैया ध्यान से देखो, बहुत अर्जेंट फाइल है मेरी। जी मैम मैंने ध्यान से देखा है, मैम नीचे भी नहीं है। बहुत अर्जेंट फाइल है मैम, हो सकता है लास्ट ड्रॉप जो किया था शायद उनके पास गलती से चली गई हो। अच्छा भैया सुनो। जी जी। का कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आप मुझे दे सकते हो? शायद उनके पास ना चली गई हो। मैम सॉरी मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता। भैया वो बहुत अर्जेंट है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपके पास समझ रही हूँ आप नहीं दे सकते, बट ये भी तो अर्जेंट है ना। कंपनी में एक बारी बात कर लो तो वो आपसे, आप उनको बता दो तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे देंगे। ठीक है। हेलो, कहाँ पर हो जाने मन? मैं तो घर पर ही हूँ, अकेले ही हूँ। एलिना गई हुई है? हाँ उसका एक इंटरव्यू है, उसके लिए गई है। आ जाओ यार, आज बड़ा मूड हो रहा है, फुल भरा बैठा हूँ, तुम आ जाओ बस। हाँ आ जाओ, सच में अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दिन हो गए। हाँ दो मिनट में? दो मिनट में कैसे आ जाओगी यार, सही टाइम बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो मूड खराब मत करना बस। हाँ हाँ अरे अलीना को टाइम लगेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम आज मेरी टेंशन लो, फटाफट आओ, वेट कर रहा हूँ मैं। लव यू टू। अभी तू कहाँ से आ गई? हुआ क्या? अरे बता तो सही, हुआ क्या है? क्या हुआ है? अरे मेरी फाइल नहीं मिल रही। फाइल नहीं मिल रही? फाइल तो तू लेके गई थी। पता नहीं शायद कैब में रह गई है। तुझे कैसे पता कैब में ही रह गई? तू लेके गई, कहीं गिरा दी होगी तूने? कहीं नहीं गिरी। इंटरव्यू भी नहीं हुआ होगा क्योंकि तू आई इतनी जल्दी गई। यार मैंने भी पूरा ध्यान रखा था, पता नहीं कहाँ गई। हटो आप, पता नहीं क्या चल रहा है। तुझसे पहले ही बोला था कि उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको लेके मत जा। सारे ओरिजिनल थे, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। सब स्पॉइल हो गया आज। इंटरव्यू भी नहीं दे पाई तू, डॉक्यूमेंट्स भी खो के आ गई। मैंने हर जगह ढूंढा भाई, हर जगह ढूंढा, कैब वाले को भी फोन करके पूछा मैंने। नहीं हो? नहीं उसको नहीं मिले, बहुत ध्यान से देखा था उसने, नहीं मिले उसको भी।
फिर जा कहाँ सकती है, तेरे तो हाथ में ही थी वो। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। चल टेंशन मत ले, किसी भले इंसान के हाथ में होगी तो वो देखे जाएगा। पता नहीं, होप फॉर द बेस्ट। इस टाइम कौन है भाई? मुझे क्या पता इस टाइम कौन होगा, कहीं मूवी तो नहीं आ गई। ये फाइल। अरे आप? हाँ जी ये फाइल आपकी। ओह थैंक यू सो मच। एक्चुअली इसमें जब मैं चेक करा तो इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैं सोचा कि तुम्हारे घर आके दे दूँ, एड्रेस लिखा हुआ था इसमें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं बहुत परेशान हो रही थी इसको लेके। थैंक यू सो मच। मैंने नहीं बोला था किसी भले इंसान के पास होगी तो वो जरूर देगा। सही कहते थे भैया। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अंदर आइए आप। आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अरे कैसे बात कर रहे हो, इतना तो कोई भी कर देता। इट्स ओके। सच में आपने हम दोनों की टेंशन बहुत कम कर दी। अरे पापा ये तो मेरा फर्ज था बस। थैंक यू सो मच। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उसको लेके आई वाज सो वॉरिड। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए इसलिए मैं अभी घर आके दे दी। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है। नहीं नहीं आप बैठिए, आपको एक कप चाय पी के जाना होगा। अरे नहीं नहीं इट्स ओके। एलिना आप चाय पिलाइए, मैं आज समोसे या टिक्की लेके आता हूं। अरे मैं ये सब नहीं खा सकती। आपको प्लीज। अरे नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा प्लीज। समझिए। नहीं नहीं प्लीज इतना तो बनता नहीं खा सकती, लिटरली मैं नहीं खा सकती। हां अरे जान मैं तुम नीचे ही रुको, एक मिनट में मैं आ रहा हूं। नीचे ही आ रहा हूं मैं। हां अरे बताऊंगा नीचे आके क्या हुआ। हां एक मिनट में आ रहा हूं। ठीक है मैं चलती हूं। ठीक है। अरे बैठो ना यार। अरे नहीं इटली मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लेट। मेरी चाय दो मिनट में बन जाएगी। मैं चाय नहीं पी सकती, मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मेरे को उसके लिए लेट हो रहा है। डॉक्टर की? हाँ जी। कहीं गुड न्यूज़ तो नहीं है? गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सर्वाइकल का पेन है इसलिए थोड़ा। सर्वाइकल का पेन? हाँ जी। मैं प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट हूँ तो मैं क्या ट्राई करूँ? ओके थोड़ा सा बैंड हो जाओ।